असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ तो आप सब खैरियत से होंगे हमारे पास आज हसन आए हुए हैं हसन हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं आईटी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हसन का भी हमारी तरह से बर्ड हॉबी का बचपन से शौक़ है और डिफरेंट बर्ड्स रखे थे अब ये आ, उन डिफरेंट बर्ड्स के साथ साथ लव बर्ड की म्यूटेशन जो डिफरेंट चल रही हैं एल्बाइनो क्रमीनो पेलफेलो पर्सनाटाज एंड सो तो ऑन उसमें इन्होंने स्टार्ट लिया है और नॉलेज इनके पास कंप्लीट है जिस तरह हम कहते हैं कि भाई नॉलेज के बगैर इस गेम के अंदर और फिर वो नॉलेज के साथ साथ बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें सक्सेस मुश्किल हो जाती है तो हसन के पास माशाल्लाह क्योंकि ये बचपन से बर्ड हॉबी कैरी करते चले आ रहे हैं तो नॉलेज इनके पास पूरी है हम हसन से कहेंगे कि इस लव बर्ड हॉबी से रिलेटेड कोई अपने दो तो चार ख्याल हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ थोड़ा सा अपना शेयर करें कि यह हॉबी किस तरह की है इनके क्या ओपिनियन हैं इस हॉबी के बारे में थैंक यू आरिय साहब आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाहे वह आप कोई भी पेट रखें चाहे वो लव बर्ड्स हों या अदरवाइज़ कुछ भी रखें जिस चीज़ की आप केयर कर सकते हैं जिसकी आपको थोड़ी बहुत समझ है जिसकी डिपेंडेंसी आप पे वर आज रहिए आप किसी और पे छोड़ रहे हो उस चीज़ को रखें लव बर्ड्स ऑफ कोर्स वो uh, परिंदा है जिसको अगर आप खुद रख के देखेंगे जिस तरह की उसकी uh, अपनी कलर म्यूटेशन हैं बाकी जो चीज़ें हैं सो वो ऑफकोर्स आपको वैसे ही उसके लिए एक लव ऐसी क्रिएट हो जाता है ऑन टॉप ऑफ इट वाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि जी uh, आप जब ये परिंदे रखते हैं तो uh, उसके लिए उसकी सफाई वगैरह हो गई जो बाकी चीज़ें हैं और थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है आप उसको सर उसके चलेगी जी आप एक एक बच्चा भी होता है ना थोड़ा टाइम लेता है बड़े होने में तो ये भी वही हॉबी है uh, इसको ऑफ़कोर्स uh, डेवलप होना चाहिए पाकिस्तान में क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि Um, कहा जाता है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए इंसान को अगेन आगे डिपेंड करता है कि जी आप uh, किस तरह निकालते हैं कुछ लोग प्लांटेशन में करते हैं um, कोई बाहर निकल जाता है आई थिंक दिस इज वन ऑफ़ द हॉबीज़ जो कि आप घर में रह के भी बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं और आई बिलीव के जी डेफिनेट परिंदे वो चीज़ें नेचर है ये सो so, <laughs> इससे जितना प्यार करें उतना कम थैंक यू हसन ने जो एंड में बात कही कि ये परिंदे भी एक नेचर हैं इनसे जितना प्यार करने का तो मैंने नॉर्मली देखा है इस हॉबी में जो नेचर लविंग लोग होते हैं ना वो इसमें आते हैं दिल से और काम करते हैं और जितने भी हमारे बर्ड्स पालने वाले हैं ये सब को ही नेचर से मोहब्बत होती है तो ये हॉबी है आपको फ्रेंडशिप्स भी देती है नेटवर्किंग भी देती है और बहुत सारे सन फ़ायदे होते हैं और जो इस हॉबी से हम आजकल डिस्कस करते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में ये हमारी एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बन चुकी है और इस वक्त बहुत लोग इसके अंदर अपने आप को एग्रेसिवली एनहांस कर रहे हैं ताकि क्योंकि जो तो हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है अब उससे लाइफ मैनेज होना क्योंकि एक्सपेंसेस करटेल नहीं हो रहे हैं यानी कि कम नहीं हो रहे हैं बल्कि एक्सपेंसेस क्योंकि बाइंग पावर नीचे आ रही है रुपी वैल्यू इंतहाई नीचे आ चुकी है इन्फ्लेशन आपका ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट है जो जनवरी में भी सॉरी दिसंबर में जो आया था, सिर्फ मंथ और मंथ पे देखें थर्टी परसेंट है सो so, आपकी इयरली अगर आप जॉब भी करते हो तो यू यू गेट फिफ्टी रेज इन योर सैलरी मैक्म मैक्सिमम आपकी इन्फ्लेशन थर्टी परसेंट है लेकिन hmm. आप ऑन एवरेज साल में फिफ्टीन परसेंट नेगेटिव कैरी कर रहे हैं और अदरवाइज परचेजिंग पर आपकी साल की फिफ्टीन परसेंट कम होती जा रही है कम होती, so, होती of है। course, आपकी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए और अगर वो आप बना लें सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी अपनी हॉबी भी हो तो नथिंग लाइक इट अब जैसे देखें हसन ने कहा कि जो दिसंबर का इन्फ्लेशन है महंगाई की शरह वो थर्टी परसेंट रही है और पूरे साल की भी जो निकल रही है इस बार वो थर्टी प्लस है वेयरस अगर किसी की तनख्वाह में बहुत अच्छा इंक्रीज़ इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन दे रही हैं तो वो पंद्रह परसेंट है हर किसी को पंद्रह परसेंट भी नहीं मिल पाता यानी कि हर साल अगर हमारी लाख रुपए तनख्वाह थी तो ये समझ लीजिए हर साल हमारी वो तनख्वाह पंद्रह से बीस हज़ार कम होती चली जा रही है और वेरस हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा और वो करना हम नहीं होगा कोई और आके नहीं करेगा तो ये हॉबी एक बहुत अच्छी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है जो लोग इसमें हैं इस हॉबी में ये उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो इससे कितना पैसे अर्न करते हैं जितना वो रिस्क ले रहे हैं जितनी इस हॉबी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितने ज़्यादा बर्ड्स रख रहे हैं जितने ज़्यादा हाई वैल्यू बर्ड्स रख रहे हैं वो उतना ही अर्न कर रहे हैं और उससे उनको हेल्प मिल रही है लेकिन अगर लोग इस हॉबी में नहीं आ सके हैं तो इस बर्ड की हॉबी में ज़रूर आइए हम ये नहीं कहते कि सिर्फ लव बर्ड की हॉबी ही है जो आपको पैसे बना के देगी इस हॉबी में बेतहाशा बर्ड्स हैं जो आपको अच्छे पैसे अर्न करके दे सकते हैं बिल्कुल सही बात है अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ और बर्ड्स बिल्कुल, बिल्कुल की। सही बात है देखिए ना आप नॉर्मली लव बर्ड ज़रूरी नहीं है मैंने जैसा स्टार्ट बोला था हॉबी होनी चाहिए वो कोई भी हो सकती है बट अगर उसी हॉबी को अगर आप सोर्स इनकम बना लेंगे तो ऑफकोर्स वो ऑफकोर्स वोर्स डेफिनेटली गेट अ सक्सेस बिकॉज उसकी आपको नॉलेज भी होती है और आप नॉलेज विद टाइम गेन भी कर रहे होते हैं चाहे वो लव बर्ड्स हों का टेल्स हों अदरवाइज आप ऑफकोर्स दैट डिपेंड्स कि जी आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी इन इंटर्म फाइनेशली में बात कर रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना शौक डेवलप करें और विद टाइम उसको ग्रो करें आप और वैसे ही मजहब भी आपका बोलता है कि जी कारोबार में बरकत है दी जो आपका बोलता है जॉब तो हम भी करते हैं मैं भी खुद जॉब करने वाला इंसान हूँ बट आपको पता है आपको साल में एक सर्टन परसेंटेज ही आपकी है जो इंक्रीज होगी जबकि अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको पता होता है कि जी डेफिनेटली जितना मैं उसमें एफर्ट करूंगा उतना रिटर्न है। hmm. so, वही चीज़ है तो लोग प्लांट्स भी इंपोर्ट करते हैं घर में डेवलप करते हैं उनको भी सेल करते हैं उनसे पैसे अर्न करते हैं तो अपनी कोई ना कोई हॉबी रखें ऐसी जिससे आप अर्न भी कर सकें और उसमें बर्ड इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द वेरी ईजी एंड बेस्ट हॉबी टू अर्न मोर एंड मोर इनकम फ्रॉम दिस हॉबी वो आप जितना करते तो दोस्तों आज हसन हमारे पास आए थे हमने एक यूट्यूब पे वीडियो लगाई थी मेरे पास कुछ वाइट कॉलर वाइट ब्रेस्ट डार्क हेड एक्स्ट्रा बर्ड्स थे तो मैंने वीडियो लगाई थी सेल के लिए काफ़ी लोग उसमें से बर्ड लेके गए हैं हसन भी हमारे पास आए थे हसन ने भी वो बर्ड्स बाय किए और जिस तरह कहते हैं ना एक नॉर्मली शॉप्स पे सेल लगती है ईयरली <laughs> क्लियरेंस सेल <laughs> तो पाकिस्तान में तो उसमें जो छोटा मोटा डिफेक्ट होता है वो वाली चीज़ें बेची जाती हैं सेल में बट बाहर कंट्रीज़ में वो अपना स्टॉक फिनिश करने के लिए अपनी बिल्कुल परफेक्ट गुड्स सेल कर देते हैं ईयर एंड सेल जो आपको नया स्टॉक ऐड करना होता है तो आप पुराना स्टॉक खत्म करते हैं हाँ सो ये काइंड ऑफ मैंने <laughs> मेरे जहन में वो बाहर वाली सेल का कॉन्सेप्ट आया कि यार अगर कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स लास्ट ईयर की ब्रीड के रखे हुए हैं अभी तक तो वो एक वही कॉन्सेप्ट जो बाहर कंट्रीज़ में होता है कि अपनी सही चीज़ को आप थ्रो अवे प्राइस के ऊपर सेल कर दें क्योंकि हमारे पास अब नेक्स्ट ब्रीड आनी शुरू हो गई है और उसके बर्ड्स भी निकल रहे हैं तो ये बर्ड्स को हम जो बर्ड्स जब पर्सनाटा है पर्सनाटा की तरफ इत्फाक़ की बात है पाकिस्तान में लोगों का रुझान कम है एक तो मैं ये समझता हूँ हमें ना हमेशा वीडियोस में या लोगों के सामने जो फैक्ट्स है ना सच बात है वो करनी चाहिए अब मैं नहीं सेल नहीं। कर रहा हूँ पर्सनाटा मैं ब्रीड भी करवा रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में देखें पर्सनाटा की तरफ लोगों का रुझान कम है फिशरी बर्ड्स के मुकाबले में तो इस यही वजह है कि अच्छे पर्सनाटा भी ज़रा रुक के सेल होते हैं तो मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने वो थ्रो अवे वाली प्राइस की एक वीडियो बना के लगाई जिसमें मैंने कहा कि मैं सेवन का पेयर या थर्टी फाइव का एक बर्ड आ, सेल कर रहा हूँ तो वो आ, इसमें ऐड कर दें लोगों को इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर कोई चीज थ्रो प्राइस में मिलती है ना तो अगर आपकी अगर लाइक मैंने बोला था आ, एक सर्टन बजट होता है सबका ऑफकोर्स अनलिमिटेड बजट तो नहीं होता उसमें ऑफकोर्स आई थैंक्स टू आरिफ साहब की जी जिन लोगों को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो इस प्राइस में मिल रहा है जिसको आप ग्रो करके अगर आपकी बजट कम भी है ना तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन एक्चुअली मेक्स सम गुड मनी अदरवाइज नॉर्मल मुझे नहीं पता इसके वैसे लेकिन अगर नॉर्मल रेट जो है इसके मुकाबले में आई थिंक एटलीस्ट थ्री फोर टाइम्स हैं कॉन्टेक्स so, उस, उस में आप देख सकते हैं इस चीज़ को अब नॉर्मली जो ब्लू पर्सनाटा होता है बिलो एवरेज क्वालिटी बर्ड जो कि शॉप्स पे या लालू खेत में या दूसरे शहरों की मार्केट्स में नज़र आते हैं उसकी प्राइस ढाई तीन हजार रुपये पेयर है वो हम भी बचपन में वो पालते रहे सारे लोग पालते रहे बट ये वाइट कॉलर वाइट ब्रेस्ट डार्क हेड पर्सनाटाज हैं साइज़ में भी थोड़े से बड़े हैं इनकी प्राइस वो नहीं होती जो ब्लू एवरेज बर्ड्स होते हैं और जब मैंने बाई किए थे तो थर्टी फाइव थाउजेंड का एक बर्ड बाई किया था ठीक है हम उस प्राइस को भूल जाएं लेकिन फिर भी अगर तो पर्सनाटा की मार्केट अच्छी हो पच्चीस तीस हज़ार का पेयर तो ये कहीं भी नहीं गया लेकिन अगर तो लोग जो मुझसे लेके जा रहे हैं सेवन में ये पेयर मैं कहता हूँ वो ब्रीड कराएं वो इसको पाँच का भी बेचें तो भी एक जब तक आपके एक्सपेंसिव बर्ड्स केजेस में नहीं आते इनको ब्रीड कराएं और क्योंकि आप ले भी लो प्राइस पर आएँ आप उसी प्राइस पर बेचें या उससे एक हज़ार कम करके बेचें बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से लोग ख़रीद लेंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हसन शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच साहब थैंक सो नाइस ऑफ यू इन बिल्कुल आपसे मुलाकात भी रहेगी बिकॉज जो अदरवाइज मैं आपसे गाइडेंस वैसे ही लेते रहता हूँ ऑन मैसेजेस वगैरह पे गाइडेंस आई थिंक हम सारे लोगों को हम किसी भी फील्ड में हों हमें कुछ आता है अपनी नॉलेज को आगे दें जब हम नॉलेज को आगे देते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है नॉलेज शेयरिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट आप जो है ना कहते हैं इल बांटने से बढ़ता है आप उसको अपने सीनों में रखेंगे ना तो वो आगे मल्टीप्लाई भी नहीं होगा क्योंकि हम जब किसी को नॉलेज देते हैं सामने से वो कोई सवाल करता है और उस सवाल में हमारे लिए लर्निंग होती है या सामने वाला भी कोई हम बात ऐसी बता देता है जिससे हम लर्न करते हैं वैसे भी कहते हैं कि सीखने की उम्र कोई नहीं होती जिंदगी आप सीखते रहें तो हसन का बहुत शुक्रिया हसन के ट्रस्ट करने का हमारे ऊपर और आप लोगों को भी अगर चाहिए होंगे पर्चा बात अभी हैं थोड़े से पेयर्स और बाकी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज